नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अजय माकन पहुंचे जयपुर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन तेज। शिक्षा विभाग में एक बार फिर तबादलों का दौर जारी, संशोधन आदेश भी निकाले गए। दौसा घूसकांड प्रकरण में एसीबी ने कसा शिकंजा, आईपीएस मनीष अग्रवाल गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से प्रदेश में चल रहे राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर महामंथन किया। आज सुबह 11:30 बजे से सीएम आवास पर बैठक शुरू हुई। वहीं दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार देर रात तक राजस्थान के सियासी हालातों को लेकर महामंथन चला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच करीब 2.5 घंटे बैठक चली। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में निकाय चुनाव के परिणामों पर चर्चा हुई, साथ ही आने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। पीसीसी के कार्यकारिणी का विस्तार और अजय माकन के प्रदेश के शेष संभागों के दौरे को लेकर भी बैठक में डिस्कशन हुआ। जिलों में होने वाले करीब 30,000 राजनीतिक नियुक्तियों और जिला अध्यक्षों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग में एक बार फिर तबादलों की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार देर रात प्रिंसिपल, हेडमास्टर और व्याख्याताओं के तबादलों के साथ ही कई संशोधन आदेश भी जारी हुए हैं, साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले हुए। शिक्षा विभाग में एक बार फिर तबादलों की कवायद को पूरा करते हुए मंगलवार देर रात प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और व्याख्याताओं के तबादले हुए। स्कूली शिक्षा के तहत गणित, भूगोल, इतिहास और वाणिज्य विषय के व्याख्याताओं के साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों के भी तबादले आदेश जारी हुए। बता दें, मंगलवार देर रात अलग अलग टुकड़ों में जारी तबादला में इतिहास और वाणिज्य विषय के करीब 130 तबादलों की सूची जारी कर दी गई। वहीं मंत्रालय कर्मचारियों के 84 कर्मचारियों की तबादला सूची जारी हुई। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इसे लेकर आदेश जारी किए। दौसा घूसकांड मामले में एसीबी ने आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एसीबी आज कोरोना जांच के बाद आईपीएस मनीष अग्रवाल को कोर्ट में पेश करेगी। दौसा घूसकांड प्रकरण में एसीबी ने आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएस मनीष अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता रहा है। 10 साल के आईपीएस सेवा के करियर में मनीष ने 6 साल राजस्थान में बिताए हैं। इस दौरान महज 10 महीने में ही 2 जिलों के एसपी रहे। आईपीएस मनीष अग्रवाल को विवादों के चलते दोनों ही जिलों से एसपी के पद से हटाया गया। वहीं बाड़मेर में मनीष अग्रवाल केवल 4 महीनों के लिए एसपी रहे, तो दौसा जिले में 6 महीने एसपी रहने के बाद उन्हें अब हटा दिया गया है। आईपीएस मनीष अग्रवाल साल 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें पहले जम्मू कैडर में पोस्टिंग दी गई, जहां साल 2014 में राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी से शादी करने के बाद अपना कैडर बदलवा कर राजस्थान आ गए। पर चूरू से जहां बीदासा नगर पालिका में आज अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन दाखिल किए गए। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीदासा नगर पालिका में 3 नामांकन आए, जिनमें भाजपा से सीताराम भोबरिया, कांग्रेस से गोपाल गुर्जर और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेगराज नाई ने नामांकन किया। ये सभी नामांकन रिटर्निंग अधिकारी शिवराम वर्मा के समक्ष दाखिल किए गए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय का बोर्ड बनने की चर्चा भी बीदासर कस्बे में गर्म है। अस्वस्थ 31 तारीख को जब रिजल्ट आया था, तो बिदासर की जनता ने बहुत बड़ी उत्साह और ताकत के साथ 35 में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर और कुछ लोग हमारे विचार परिवार से जीत करके आए हैं। और पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पर्याप्त संख्या बल है, और मैं निश्चित तौर पे आपसे कहता हूँ कि 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चुनाव जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चुनाव के लिए आज 3 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं, 2 पार्टी से, 1 निर्दलीय। तो कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा होगी, जहाँ से भी प्रश्न उठाने का होगा।
पार्टी की रणनीति के तहत जैसा पार्टी हाईकमान का दिशा निर्देश है उसके तहत हमने यहाँ पर अपने फॉर्म भरवाए। विदासर की नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस की बने, इसके लिए हमारी रणनीति है और उस रणनीति के तहत हमने अपना कार्य संपादन किया। जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उसका पालन किया। वहीं बयाना में बार एसोसिएशन का चुनाव आज सम्पन्न हुआ, जिसमें उमेश चंद्र शर्मा को बार अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बयाना बार एसोसिएशन के निर्वाचन अधिकारी बुद्धिराम सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चली। इस प्रक्रिया में अध्यक्ष पद पर 3 दावेदार थे, जिनमें मनोज कुमार, उमेश चंद्र शर्मा और ओम प्रकाश तिवारी। अध्यक्ष पद पर उमेश चंद्र को 72 मत और मनोज कुमार को 47 मत, वहीं ओम प्रकाश को 5 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार उमेश चंद्र शर्मा को बार अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया, जबकि उपाध्यक्ष, सचिव और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था। इस वजह से उपाध्यक्ष पद पर पप्पू धाकड़, सचिव पद पर चंद्रशेखर और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर राकेश कुमार सैनी एडवोकेट को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। चुनाव जीते उमेश शर्मा का वकीलों ने माला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए बार अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि विकास के लिए हमेशा सभी को साथ लेकर चलेंगे और लंबे समय से चल रही एडीएम कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, राजस्व अपील अधिकारी की न्यायालय आदि को बयाना में शीघ्र लाने के लिए कार्य करेंगे। वही खबर राजधानी से, जहां जयपुर में छोटी चौपड़ चौगान स्टेडियम गणगौरी बाजार स्थित चाट पकौड़ी का ठेला लगाने वाले एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। इसमें युवक नाली के गंदे पानी से बर्तन धोता नजर आ रहा है। इस संबंध में अब आम आदमी पार्टी ने FIR दर्ज की है। ये घटना जयपुर के छोटी चौपड़ चौगान स्टेडियम गणगौरी बाजार स्थित चाट बाजार की है। आम आदमी पार्टी जयपुर पदाधिकारियों द्वारा थाना नाहरगढ़ पर FIR दर्ज करवाई गई। वहीं किशनपुर विधानसभा विधायक और हवामहल विधानसभा विधायक और हेरिटेज नगर निगम महापौर को शिकायत दी गई। जयपुर शहर प्रवक्ता भावना शर्मा ने बताया कि यह अत्यंत गंभीर मामला है और इन जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यूथ विंग अध्यक्ष अफजल खान ने बताया कि प्रशासन को व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो। जयपुर संभाग से प्रभारी अमित शर्मा लियो ने बताया कि प्रशासन को कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए चेताया जा रहा है। शहर में ऐसी किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार पार्षद, विधायक, सांसद और महापौर को जागरूक रहना चाहिए, जबकि वो अपनी तरफ से कभी ना तो इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और ना ही जनता की समस्या पर सवाल उठाते हैं। झुंझुनू में बगड़ नगरपालिका भाजपा का गढ़ रहा है। इस बार भी बगड़ में भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। गोविंद सिंह राठौर को भाजपा का बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी मिली है। जन चर्चा है कि पार्टी के विक्रम सिंह शेखावत और राजेंद्र शर्मा गोविंद सिंह राठौर के रहते भाजपा के अलावा किसी और का बोर्ड बनाना नामुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों बड़े नेताओं को पार्टी जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। खबर झालावाड़ से, जहां कामखेड़ा दर्शन करने जा रहे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रोली पलट गई। हादसे में 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, वहीं 30 श्रद्धालु घायल हो गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खजूरीखेड़ा गांव से तीर्थयात्री ट्रैक्टर ट्रोली में सवार होकर मंगलवार शाम 6 बजे दर्शन के लिए कामखेड़ा बालाजी आ रहे थे। तभी मनोहर थाना कस्बे से 8 किलोमीटर दूर गरबोलिया घाटी में ट्रैक्टर ट्रोली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रोली पलट गई। इसके नीचे दबने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब 30 श्रद्धालु घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए स्थानीय CHC लाया गया। यहां से 10 जनों को गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ट्रोली में 12 बच्चे और इतने ही महिलाएं सवार थी और सभी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं खबर जयपुर से, जहां पुलिस थाना भट्टा बस्ती में ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें एक आरोपी को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। जयपुर में पुलिस थाना भट्टा बस्ती ने ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई की। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और जयपुर DCP नॉर्थ परेश देशमुख ने जयपुर शहर में एक्शन अगेंस्ट गन्स के तहत अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान हेतु सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए थे। भट्टा बस्ती थानाधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में दिनेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, कुलदीप सुप्रीम की टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा निरंतर निगरानी और गश्त कर आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया। साथ ही आरोपी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जयपुर शहर के विभिन्न थाना इलाकों से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन भी आरोपी से बरामद किए हैं। खबर जयपुर से, जहां पुलिस ने हरमाड़ा और मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में स्कूल और कॉलेजों में सशक्त नारी, सुरक्षित नारी अभियान चलाया। महिलाओं और युवाओं को कानून और अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्भया एस्कॉर्ट की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने स्कूल और कॉलेज में सशक्त नारी, सुरक्षित नारी का अभियान चलाया।
हरमाड़ा थाना इलाके में स्थित बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, नेफ्ट डिफेंस एकेडमी और मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में निर्भया स्क्वाड ने सेल्फ डिफेंस के बारे में महिलाओं को सिखाया। बालकों और युवाओं को नारी सम्मान हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों द्वारा महिलाओं और युवाओं को कानून और अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं जयपुर डीसीपी मेट्रो ऋचा तोमर ने सभी बालकों और बालिकाओं को नारी सम्मान के लिए प्रेरित किया। खबर बयाना से, जहां गांव सिघाड़ा में स्कूल की छात्रा के साथ प्रधानाचार्य ने अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ की। मामले को लेकर छात्रों के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिघाड़ा के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार पर विद्यालय में अध्ययनरत 11वीं छात्रा के साथ अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर छात्रा के परिजनों और गांव के लोगों ने स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार से प्रधानाचार्य के तबादले की मांग की है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य की छात्राओं पर गलत नजर रहती है और गलत तरीके से अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ हुई है। स्कूल के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार ने आरोपों को साफ तौर पर नकारा। उन्होंने कहा कि गलत आरोप लगाए गए हैं, छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी का कोई मामला नहीं है। कुछ छात्र विद्यालय में मोबाइल लाकर गाने बजाते हैं, जिसे लेकर छात्रों को मना किया गया तो छात्रों ने छात्रा से ये झूठे आरोप लगवाए हैं। बच्चियों से फिर एक लड़का ने इसको ऑब्जेक्शन किया था, वह लड़का पे कोरे कागज पे दस्तखत करा लिए कि फिर यहाँ से टीसी काट देंगे, ज्यादा हल्ला मत करे, चुप रहे। वो लड़का मेरे साथ है यहाँ, आज अभी कह रहा है, कोरे कागज हमने देखे हैं इसके पास दस्तखत। मतलब पापा ने घर पे मैंने यहाँ जाके बात कह दी ना, तो मतलब पापा ने यहाँ पे फोन किया होगा, तो मतलब प्रिंसिपल सर आके नहीं मेरे से कह रही थी कि तूने सब घर पे सब बात कह दी, इसलिए तेरी टीसी काट जाएगी और तू चली जाए वहाँ से। फिर मैं घर ग्राउंड तक आ गई थी, फिर दूसरे सर ने मुझे बुलाया, फिर मेरे कह रहे कि तू मत जाए, रहने क्लास में बैठ जा। फिर मैं जब बैठी क्लास में उन्होंने टीसी काटने की कोशिश की। इसमें ये कहना है कि सर इस बात को मॉडिफाई किया गया है, ये बात जब जिन दो लड़कों से मोबाइल पकड़े थे ना, जिस लड़के से मोबाइल पकड़ा था उसने उसको सिखा के, उसने उसको सिखा के, और उसमें मेरे टीचर भी थे तलाशी के दौरान, राजेश जी, राजेंद्र जी, त्रिलोक जी, हम चारों ही थे और हमारे बाबूजी भी थे। तो उसको केवल ये मना कहा गया था कि भाई आइंदा मोबाइल में नहीं लाना, और उसके उनसे लिखवा भी लिया था पहले पूर्व में। अब ये बात उसको अब अगली बार जब मतलब पहले तो ये हो गया था, अब जब दोबारा में जब ये बच्चे मोबाइल लाए और वहाँ से शिकायत मिली, वहाँ से मोबाइल से शिकायत मिली, तो हमने उसकी दोबारा तलाशी ली, तो दोबारा केवल जन और उन बच्चों में किसी लड़की को लेकर, इस लड़की को जो इल्जाम लगा रही है उस लड़की को लेकर मारपीट हो गई थी। पता नहीं उनमें क्या कहा सुनी हुई, और उस जब मारपीट हो गई तो हमने उनसे ये कहलवाया कि भाई क्या बात है। जब उनसे पूछा गया तो उसने, लड़की ने ये कहा था कि मैं मुझसे इसलिए कुछ, मैं ये कहा था कि तेरे गाल पे मार दूंगा, तो फिर हमने दोनों को बुलाया और मामला शांत करवाया। तो वहीं सूरतगढ़ में आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत महिलाओं द्वारा दोपहिया वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। थाना अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेठ रामदयाल राठी स्कूल से रैली का शुभारंभ नरेश रनवा, मुख्य शिक्षा अधिकारी सूरतगढ़, पूनम कजवा, लेक्चरर राठी स्कूल सूरतगढ़, तथा राम कुमार लेखा सिटी थाना अधिकारी सूरतगढ़ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में सिटी पुलिस थाना, महिला कांस्टेबलों तथा सरकारी शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर यातायात पुलिस टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।